भू अर्जन घोटाला मामले के आरोपी अमीन साधुशरण पाठक के घर पर एसीबी की का छापा पड़ा है। इस वक्त हम हाउसिंग कॉलोनी में उनके आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहां पर एसीबी की टीम पहुंची हुई है। 2016-17 में उनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया था, धोखड़ा मनाईटाड़ रिंग रोड का ये मामला था जिसमें ये अमीन का काम इन्होंने किया था। उसके बाद इन पर कार्रवाई की गई, इन पर केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद से कार्रवाई बैठी, लगातार इस मामले को लेकर जाँच चल रही थी। और 2022 में एक बार वापस से इनके ऊपर एक और केस दर्ज कराया गया था, आय से अधिक संपत्ति का मामला। फिलहाल एसीबी की टीम अंदर मौजूद है। क्या किस मामले को लेकर जांच हो रही है, इस बारे में अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। आइए एक बार हम बातचीत करते हैं साधुचरण पाठक से और जानने का प्रयास करते हैं कि किस वजह से अभी यहाँ पर छापेमारी हो रही है, और आगे हम अधिकारियों से भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। अब तो वे लोग जाएगा, आप ही को आरोपी बना दिया चाचा। क्या चीज के मामला के लिए आरोपी बनाया? अब तो वही लोग ना बताएगा सर। फिर भी सर्च क्या चीज के लेकर कर रहा है? वो तो वही बताएगा ना। यानी कुछ आपसे बोला होगा ना चाचा कि कुछ मामला क्या है क्या नहीं? हमको नहीं पता है, आया लोग कि अपने घर सर्च करेंगे। ये लोग कौन है? अब ये भी तो नहीं बताया लोग, नहीं बताया है। कितने लोग आए हुए हैं? दसद में है। कितने देर से आए हुए हैं? कितने देर से? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। क्या क्या जांच कर रहे हैं चाचा? घर जांच कर रहे हैं। पेपर ऊपर भी कुछ? पेपर ऊपर क्या करते थे आप चाचा? हम अमीन थे डीसी ऑफिस में। अभी रिटायर। रिटायरमेंट कब हुआ? 11 में रिटायर। रिटायरमेंट कब हो चुका? 2011 में। आपके ऊपर भू अर्जन का घोटाला का आरोप है? नहीं, हम 2011 में रिटायर कर गए हैं। नहीं तो आपके ऊपर भू अर्जन का घोटाला का आरोप? हम नौकरी में थे ही नहीं, तो उस समय हम नौकरी में थे ही नहीं। आपका बेटा क्या करता है? बेटा बिजनेस करता है। क्या नाम है चाचा आपका? साधुशरण पाठक। तो बिल्कुल, हमने जब बातचीत की साधु शरण पाठक से, उन्होंने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि क्यों ये लोग आए हैं, किस मामले को लेकर, यानी कि साफ तौर पर उन्हें कुछ भी बताने से इनकार किया है। साथ ही साथ हमने अधिकारियों से भी बातचीत की, उन्होंने भी फिलहाल कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना किया। उन्होंने कहा कि अभी जाँच की जा रही है, जब तक पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं मिल पाएगा, जब तक सभी सबूत नहीं मिल पाएंगे, इस बारे में वो लोग कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बताएंगे। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल के बाद ही वो लोग इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार हैं फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आय से संपत्ति के इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एसीबी लगातार इस तरह के मामलों पर कार्रवाई कर रही है, घोटालों के मामलों को लेकर भी, या फिर जिन लोगों से वसूली की जा रही है, तमाम इन चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्टिव मोड में एसीबी दिख रही है। अब देखते हैं कि इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।